हमारे वैश्विक विजन की वजह से ही आज विश्व में भारत की सेनाओं का एक अलग सम्मान है। आज यदि हिंद महासागर से पायरेसी करीब करीब समाप्त हो गई है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय सैन्य शक्ति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को जाता है। हमारी सरकार की इन कोशिशों के बीच आपको पहले क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसकी भी जानकारी आवश्यक है। आप में से बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन मैं आज इस अवसर पर देश के सामने फिर कुछ जानकारियां दोहराना चाहता हूं। ये जानकारियां आज की नई पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ अन्याय करने के साथ ही सैनिकों और राष्ट्र की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथियों, साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारा जवान दुश्मनों की सेना की गोलियों और आतंकियों की छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर कर रहा था। साथियों, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल बीत गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। अब आप बताइए, हमारे जवानों को सुरक्षा कवच से वंचित रखने का पाप किया गया कि नहीं किया गया? ये पाप, ये कलंक किसके माथे पर है? साथियों, जवानों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ भी ऐसी ही आपराधिक लापरवाही बरती गई है। पहले सरकार चलाने वालों का रवैया सेना को लेकर कैसे रहा, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। शायद शहीदों को याद करके उन्हें कुछ मिल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भुलाना ही उन्हें आसान लगा। साथियों, बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। साथियों, देश की सेना को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार उसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, जहाज और अन्य हथियार से युक्त कर रही है। राष्ट्र हित को नजरअंदाज करते हुए जो फैसले कई दशकों से रुके हुए थे, उन्हें अब एक के बाद एक प्रायोरिटी के आधार पर लिया जा रहा है। सेना के लिए अत्याधुनिक राइफलों को खरीदने और भारत में बनाने का काम भी हमारी सरकार ने ही शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने 72,000 आधुनिक राइफल की खरीदी का ऑर्डर दिया है। साथ ही हमारी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एम्यूनिशन यानी गोला बारूद और गोलियां मिशन मोड में खरीदी है।